गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बी ए सेकेंड सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर, ओके, यूनिट फर्स्ट फॉर्म्स ऑफ पोइट्री, है ना। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैं आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराऊंगी, बट मैं आपको चार ऑप्शन न देके राइट आंसर बताऊंगी, ओके। बिकॉज अगर चार ऑप्शन लिखूंगी तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, सो वन आंसर ही लिखूंगी, ओके, जो राइट आंसर है वो। एंड ये सारा आपको अपनी कॉपी में यानी कि नोटबुक में नोट डाउन करना है और बहुत अच्छे से लर्न करना है। एंड जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए तो वो यू कैन आस्क मी ऑन माय कमेंट सेक्शन, ओके। क्वेश्चन फर्स्ट, टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इज द लिरिक रिलेटेड, है ना। कौन गीत वाद्य यंत्र किस इंस्ट्रूमेंट से संबंधित है, है ना। तो आपका ये किससे संबंधित है, लायर से, ओके, आंसर इज लायर। एंड सेकंड, विच काइंड ऑफ पोएम इज टू अ स्काई लार्क, है ना, जो किस प्रकार की पोएम है स्काई लार्क। तो कैसी पोएम है ये, आंसर इज लिरिक पोएम। लिरिक पोएम है मतलब जैसे जो गीत होता है ना, गीत गाते हुए जो पोएम पढ़ी जाती है ना, उस टाइप की पोएम है ये, कौन सी, स्काई लार्क, टू अ स्काई लार्क। एंड थर्ड क्वेश्चन, वॉट इज द थीम ऑफ द इटेलियन सोनेट, है ना, इटेलियन सोनेट की क्या थीम है, यानी कि सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है, है ना। तो ये आपका आंसर हो गया प्लेटोनिक लव, यानी कि आध्यात्मिक प्रेम, ओके। एंड फोर क्वेश्चन, हाउ मैनी क्वार्टेंस आर देयर इन द एलिजाबेथ वेदन सोनेट, है ना, जो एलिजाबेथन सोनेट है उसमें कितनी चतुष्पदी है या चार टाइप की कितनी पंक्तियां हैं, वो आपको देखना है ना, बताना है इसका आंसर, है ना। तो आंसर इज थ्री, कैसी है, जो चतुष्पदी है वो कैसी है, तीन है, ओके, कितनी है, तीन। एंड फिफ्थ आंसर, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज एसोसिएटेड विद डांस, है ना, मतलब कौन से फॉर्म से एसोसिएटेड है आपका डांस, जो डांस है वो किस टाइप का आपका मतलब कविता से मतलब कैसे रिलेटेड है, कैसे एसोसिएटेड है डांस, ओके। तो जो डांस है बच्चों, वो आपका जो है वो कैसा है, ओड, ओड मीन्स होता है बेटा एक पर्टिकुलर संबोधन करके किसी चीज़ को गाना, है ना, वो कैसी है, होती है पोइट्री होती है वो, है ना। जो डांस में जैसे कि कथक नृत्य होता है ना, उसमें पर्टिकुलर एक संबोधन ले लेते हैं, पर्टिकुलर उसको लेके और फिर उसमें मतलब कथक करते हैं, नृत्य करते हैं जो कथक, वही क्या कहलाता है, ओड, ओके। सो ये सारा आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। एंड जब मैं आपका फिर टेस्ट लेती हूँ, है ना, एंड थैंक यू।